हे व्हाट्स अप गाइस, दिस ऋतिक शर्मा बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो हमारा जो है वो बेहद ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम सब देखने वाले हैं सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो लॉन्चर का अपडेट है वो हमारा कोई भी अल्फा या बीटा नहीं है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेबल अपडेट के बारे में। तो क्या कुछ इसके अंदर नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, कैसी जो है परफॉर्मेंस होने वाली है इसको अपडेट करने के बाद में, सब कुछ जो है बात करेंगे वीडियो के अंदर। जरूर से वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या कुछ जो है चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस हमें देखने को मिलता है ये विडजेट सेक्शन, ये जो है बिल्कुल ही नया देखने को हमें मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो MIUI 13 के अंदर हमें अल्फ़ा वाले के अंदर देखने को मिलता था वो अब इसके अंदर देखने को मिल गया है। बात कर लेते हैं इसके बाद इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, जो सेट डिफ़ॉल्ट स्क्रीन वाला था वो कुछ इस तरीके से नहीं आता था, हॉरिजॉन्टली आता था, वो उसको जो है वर्टिकली कर दिया, जो पहले हमें अल्फ़ा और बीटा के अंदर देखने को मिला था फाइनली जो है हमें स्टेबल के अंदर भी देखने को मिल गया है। और इसके बाद जो दोस्तों जो दूसरा चेंज है वो देखने को मिल जाता है इसके मोर में जाने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ। एनिमेशन स्पीड जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, रिलैक्स, बैलेंस एंड फास्ट। अभी रिलैक्स वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, रिलैक्स वाला कुछ इस तरीके से है। उसके बाद में अगर मैं आपको करके दिखाऊँ फास्ट या बैलेंस, तो वहाँ पर आपको जो है चेंज देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है इसके एनिमेशन स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं आया था इसके अंदर, आया था वो रिमूव हो गया था। तो कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं इसके अंदर हम देखने को मिलता है। आइकन साइज़ जो अभी भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं वो तो आप सबको पहले से पता है, ये सब पहले से ही है। अरेंज रिसेंट इन मेमोरी, ये भी जो है हमें पहले से ही देखने को मिल जाता था। कुछ इस तरीके के दोस्तों चेंज देखने को हमें मिल जाते हैं, जो कि पहले वाले लॉन्चर के अंदर देखने को नहीं मिले थे। और लॉन्चर का अपडेट आया था वो रिमूव हो गया था किसी कारणवश, वो जो है स्टेबल नहीं था। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है ये लॉन्चर का अपडेट। अब बात कर लेते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो अगर आपके जो है अपडेटर के अंदर ये देखने को नहीं मिला है तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल की। इस लॉन्चर को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे आपको दोस्तों जो है चेंज देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मेरे पास जो है स्टेबल लॉन्चर ही है, तो क्योंकि अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो मैं आपको दिखा दूँ। मैनेज ऐप्स के अंदर जाके सिस्टम लॉन्चर अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर रिलीज़ का हमारे पास जो है देखने को मिल जाता है सिस्टम लॉन्चर का, जो कि स्टेबल माना जाता है, स्टेबल ही होता है माना किया जाता है। और इस तरीके से आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।